And the TMC delegation in West Bengal met with the EC officials today. The TMC says they've requested the EC to address EVM issues and violence by BJP workers in the West Bengal state. And it says that it's the EC's responsibility to ensure fair polls. खासतौर पर ईवीएम को लेकर जो त्रुटियां हमारे ध्यान में आई हैं उसको उनके ध्यान में हम लोगों ने लाया. उसके अलावा जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुआ है कई स्थानों पर, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम लोगों ने चुनाव आयोग के ध्यान में लाया है. लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के जितने हथकंडे हैं जो उन्होंने अपनाया है दो चरणों में, उसके बावजूद नंबर एक ममता बनर्जी भारी मतों से नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं, और नंबर दो इन दो चरणों में हमको पूरा विश्वास है कि हमको तृणमूल कांग्रेस को बहुमत इन दो चरणों में भी मिलेगा.